To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. An effort which will take less than 10 minutes. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन के अंदर में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हैं। करना क्या है? ट्रायंगल्स की गिनती करनी है और बताना है कि अलग अलग साइजेस के आप कितने ट्रायंगल्स देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो यहाँ पर बंद करें और इस पजल का आंसर निकालें, गिनती करके बताएं कि कितने ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, उसके बाद वीडियो ऑन करें। मैं आपको बता दूं कि इस पजल और पिछली पजल नंबर 226 में कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ फिगर का पोजीशन अलग है। यदि इस फिगर को मैं क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट कर दूं तो सेम फिगर हो जाएगा पजल नंबर 226 जैसा। फिर आप गिनती करेंगे, आंसर कितना आएगा? 116। आपके रिफरेंस के लिए मैंने पूरा आंसर रिपीट किया है जो हमने 226 पजल नंबर में देखा। यहां पर हमने एक बात सीखी, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का उपयोग करने के लिए यदि उसका पोजीशन चेंज करें तो हमारे लिए कन्वीनियंस बढ़ भी सकता है, प्रोसेस आसान हो सकता है। और ये तभी होगा जब हम अपनी विजुअल एबिलिटी का विकास करेंगे। विजुअल एबिलिटी के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि फिगर के पोजीशन को चेंज करने के लिए लगेगी दोनों कुशलता है, विजुअल कुशलता एज वेल एज एनालिटिकल कुशलता। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी का विकास तो होगा ही, साथ में हमारी विजुअल एबिलिटी भी बढ़ेगी। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह अपनी कुशलताओं का विकास करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।